आप जो है हमको 578 रुपये डाल दीजिए, आपका आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन कर देंगे मोनेटाइज के लिए। तो हम फिर 578 रुपये डाल दिए। फिर कुछ देर के बाद फोन करके कह रहा है कि अब 1478 रुपये डालिए, आपका जो है वॉच टाइम जो है शो करने लगेगा 4000 वॉच टाइम। तो उसको हम क्या किए, 1478 रुपये डाल दिए। अब कह रहा है कि मोनेटाइज आपका वेरिफिकेशन होने के लिए 22.5 रुपये लगेगा। तो हम नहीं डाल रहे हैं कि का मतलब फ्रॉड कर रहा है। कहाँ से पता चला था आपको? अरे फेसबुक नहीं चलाते हैं? नहीं, हम तो यूज नहीं करते हैं। तो हम फेसबुक चलाते हैं ना, तो उसी में भगा रहे थे, तो प्रचार कर रहा था, तो उसके व्हाट्सएप पर गए तो मैसेज किए, तो यही सब हुआ था। बाकी हर चीज आप पूछते हैं, ये बात क्यों नहीं पूछा आपने कि हाँ ये देखिए मैंने फेसबुक पे देखा, ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा या और कुछ? एक बिहार में कहावत छे, एक जे ज्यादा होशियार होय छे उ बाजी के तब बुझे ला बुझे, बाजी के बुझे छे, लेकिन जे बुड़बक रहे छे पहले बुझे छे तब जाए बाजे छे। अब तो समझ ही रहे होंगे लैंग्वेज है ना, कि नहीं समझते हैं? भोजपुरी आप बोलेंगे तब हम समझेंगे, पूरा भोजपुरी बोलिए, का दुम भगवान भाषा बोले हमको नहीं समझ में आया। ये भी समझती है। मैं कहने का मतलब ये था कि जो ज्यादा होशियार होता है ना, हाँ, जी पहले वो फंस जाएगा फेरा में, तब जाकर जी वो जो है पूछेगा। जो बुड़बक रहेगा वो पहले पूछेगा तब जाकर के वो फंसेगा, तो उसका फंसने का चांस कम होता है क्योंकि वो तो पूछ लिया है वही है। फिर कह रहा है कि अगर आप यथी अगर पे नहीं करेंगे पैसा, तो आपका चैनल को होल्ड कर देंगे, होल्ड कर देंगे तो आपको मोनेटाइज नहीं होगा, कॉपीराइट का ऑप्शन आएगा 9-17। उसको बोलो तुमको जो करना है जितना जोर लगाना है तुम लगा लो, क्योंकि उसको आप आईडी पासवर्ड या चैनल का कोई चीज नहीं ना दिए हैं। दिया है आईडी, दिए है चैनल का, चैनल का सिर्फ ईमेल आईडी दिए हैं और पासवर्ड भी दिए हैं? ना पासवर्ड नहीं दी, खाली ऐसे दिए हैं। चैनल का नाम मांगा था शिक्षा संकल 2.0, अच्छा, सिर्फ वो दे दिए। इसके बाद फिर चैनल आधार कार्ड मांगा था, तो वो दिए थे। का नाम? आधार वधार का आधार का चैनल से क्या लेना देना? अभी जब उसका वो जब वो मोनेटाइज ही नहीं हुआ, जब 4000 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ और ये बाकी चीजें जब मोनेटाइज नहीं हुआ, तब तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो गया? होता ही नहीं है। पहले चैनल मोनेटाइज होता है, फिर जा करके $10 कंप्लीट होता है, तब जा करके फिर एडसेंस पिन वेरीफाई करते हैं, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। जी मोनेटाइज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर मैं 200 रुपये 500 रुपये मांगता हूँ तो सर मजबूरी है, परेशानी है, इतनी शॉर्टकट के पीछे भागता है। हम हमेशा सिखाते हैं शॉर्टकट। सही बात है, इसमें दिक्कत हो जाएगा क्या सर? वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो डरा रहा है। लोग देखो डरा डरा के YouTube पे कमा रहे हैं, आप ठीक समझिए कि 3000 रुपये लगभग ले लिया हमसे। है? हाँ, तो आपने दिया वो जबरदस्ती पॉकेट से नहीं ना निकाल लिया, वो तो उसका उसका वो कौशल है, उसका वो स्किल है कि वो आपसे निकलवा पाया। बाकी आपके अंदर वो कौशल नहीं ना था कि हम उससे कैसे बचें या उसको कैसे परखें कि ये फेक है कि रियल। एक बात बताइए, इसी तरह ना सब किसी को उल्लू बनाकर कमाता होगा वो, वो डेली कमाता होगा लाखों, तो उसको मान लीजिए इस पर कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। कोई कॉम्प्लेन नहीं, वो स्किल यूज कर रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, उसको वो आता है करना। पैसा निकलवाना किसी से ले लेना आसान काम नहीं है। अगर मैं किसी से 200 रुपये या 500 रुपये लेता हूँ तो उसके लिए मुझे भी काफी चीजें समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। आपने भी मुझे लगभग, हमको लगता है, 1500 दिया होगा, तो उसमें मैंने आपको काम करके दिया है ना, ना? तो आप जो देखिए वो बात ठीक है, तो आप जो काम किए ईमानदारी से काम किए हैं,
ईमानदारी के पैसा लिए हैं। मैंने जेन्युइनली आपका काम किया, उस काम के बदले मैंने पैसा लिया। मैंने वो तो फ्रॉड कर रहा है ना, उसका काम कुछ नहीं किया, बस खाली झूठ सच बोलकर लोगों को फंसा रहा है। मान लीजिए इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगा तो आने वाले समय में हर एक बच्चे के लिए तो हो सकता है ना। सर जी ये मेरा तरीका है और वो उसका तरीका है, ठीक है। हाँ उसका तरीका वाला में ज्यादा लोग आता होगा। हाँ सही में ज्यादा लोग फंसता ही है, पर है कि दूसरा बंदा से बतियाना है, कॉल रखिए। क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए है ना, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चैनल मोनेटाइज। अरे मोनेटाइज करके करोगे क्या? जब मोनेटाइज हो गया और जब आपका व्यूज ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से बनेगा? और ये एक बार का काम नहीं होता है। अगर इस बार आपने 365 दिन के अंदर क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपको अगले साल भी उतना करना है, फिर अगले साल भी करना है। यानी कि हमेशा वो 365 दिन के अंदर ये चीज कंप्लीट होते रहना चाहिए। जी ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम कर लिया और वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि यूट्यूब सैलरी नहीं देती है, वो देता है व्यूज का पैसा। जी ऐसा नहीं है कि चैनल मोनेटाइज हो गया, अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया तो यूट्यूब आपको एक बांधा हुआ सैलरी देने लग जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर वो कराना ही क्यों है मोनेटाइज? जब ना गलती से हम किए हैं, आपसे पूछना चाहिए, लेकिन रात हो गया था, ज्यादा 10-11 बज गया था। अरे तो सुबह करते आप इतना रात भर सो लेते? देखो कोई भी पैसा किसी को भी देने से पहले कम से कम 7 मिनट का समय लो, कम से कम, नहीं तो कम से कम 7 घंटे का, नहीं तो 7 दिन का सोचने के लिए कि उसको खर्च करे या ना करे। पैसा तुरंत पॉकेट से नहीं निकलना चाहिए, मतलब एकदम क्विकली किसी को भी पे मत करिए, समझ गए? वो आपको कुछ खरीदना रह गया, मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी है, तो उसको पहले 7 दिन तक सोचिए कि जरूरी है या नहीं है, इसमें इतना पैसा लगाना, मतलब क्यों लगाना है ना। कम से कम 7 दिन का मतलब अमाउंट जितना बड़ा है उसको सोचने के लिए उतना थोड़ा समय लीजिए, क्विकली पॉकेट से खर्च मत करिए। ये भी कह रहे हैं हम कि आप जो है मत कीजिए, हमारा कुछ काम मत कीजिए, हमको पैसा जितना डाले उतना रिटर्न कर देते। वो कह रहा है कि रिटर्न हम नहीं कर सकते, जो करना है वो कर लीजिए। रिटर्न तो नहीं करेगा और वो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका भी जो करना था कर दिया और आपका भी जो करना था आपने कर दिया। और थोड़ा देखो यूट्यूब या ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, ये पेशेंस का गेम है, ठीक है। जब तक आपको धैर्य नहीं है तो कभी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इस फील्ड में। कितना भी आप एड़ी चोटी ये कर लेंगे, नाक रगड़ लीजिए, नहीं होगा। ये क्विक गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। जी इसमें समय तो देना ही पड़ेगा ना, हम सही में लालच में आ गए, सोचे कि 2-3 महीने का समय है, इसको कर दिया जाए मोनेटाइज। नहीं देखिए आदमी का साइकोलॉजी है, वो डर या लालच या गुस्सा में आकर के जो है ना वो फंसता है, तो ये तीनों चीजों से बचना है। और हमसे वो बोलता ना कि हमको 3000 रुपया लगेगा तब हम करेंगे, तब नहीं करते। वो बोला कि 649 लगेगा, मैंने वो धीरे धीरे हमसे मांगा। अरे तो जियो सिम यूज करते करते इतना नहीं सीखा है? कौन नहीं सीखा है कि पहले फ्री में दो, फिर छोटा छोटा अमाउंट बढ़ाते जाओ और इतना बड़ा हो के एक दिन फट जाए। ऐसा क्या करें हम, छोरी उस बात का ये आप हो गया सो गया। नहीं आप नहीं सीखे हैं तो अलग बात है, लेकिन दुनिया में सीखने वाला बहुत है जो दूसरों से सीखता है। हाँ क्या करें इसमें, कोई मेरे चैनल पर आप एक बार दिन में तो टाइम निकाल कर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। अरे कुछ नहीं देखना, उसमें कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है कि कॉपीराइट का आएगा ऑप्शन, आपका कभी भी जिंदगी में मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने इस बात की गारंटी दिया ना, ठीक है, कुछ नहीं होगा। वो मुझे पता है वो क्या कर पाएगा और वो क्या नहीं। फ्रॉड कर रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कुछ नहीं करेगा। उसका जो काम था उसने कर दिया, आपका जो काम था कर दिया, आप भूल जाओ, रात को बात की, कहानी खत्म है, आगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। और डरना, डर की मत करिए, या जो लालच में भी कोई कदम मत उठाइए, और क्या। हाँ ठीक है सर, चैनल बना दिया मैंने, वीडियो बना दिया, थंबनेल बना दिया, हर काम करवाया, हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि आप बस काम करते जाओ, समय आएगा हो जाएगा, बाकी आपके पढ़ाने के तरीके और आपके समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आगे आपका कितना कुछ होगा। वीडियो अपलोड करने का हर एक चीज मैंने अपने चैनल पे बता रखा है जी। तो और प्लस जब आपके, देखिए हर आदमी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जो मेरे सब्सक्राइबर है जी, कोई भी काम करने से पहले वो एक बार पूछ तो कम से कम लेगा कि हाँ ये कैसे या वो कैसे है। लेकिन वही है, मेरा उद्देश्य यही था कि इन सब चीजों से लोगों को बचाना, सही तरीके से रास्ते पे लोगों को लेकर के आना, चीजों को करना, जेन्युइन तरीके से लोगों को काम करना सिखाना जी। तो वही मैं कर रहा हूँ। बाकी तो देखिए मुझे बहुत पैतरे आते हैं बहुत, लेकिन मेरा कभी वो नहीं मतलब दिल गवाही नहीं देता है। वीडियो में मैं कभी अगर ज्यादा बोल देता हूँ या कुछ ऐसे इंट्रो में होता है ना लोगों को हुक करने के लिए, या थोड़ा लगता है कि यार ये झूठी तो बोला, उसको काट के हटा देता हूँ। और जैसे होता है कोई वीडियो शुरू करता है, आप इस तरह का वीडियो बनाओ, ये वीडियो बना करके जैसा मैं सिखा रहा हूँ इस तरह की वीडियो बना करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा कर लिया, ये देखो चैनल इतना करो। अरे सबको पता है कि जब बढ़िया कंटेंट रहेगा अगर ये चलेगा तो पैसा देगा ही देगा, जिसको नहीं समझ आए उसको बता करके भी कोई फायदा नहीं। तो मैं बताता बनाना बता दिया, अब बनाओगे तो कमाओगे, नहीं बनाओगे तो घंटा नहीं कुछ। चलिए कोई नहीं, उसको भूल जाइए और कहानी खत्म करिए, और कुछ नहीं होगा वो। ठीक ठीक है सर, वो रात में आप यही सब देखते हैं।